2022 के दिन राखी सावंत की वकील एडवोकेट फाल्गुनी धनखड़ ने गोशीवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी धनखड़ से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी, क्रिमिनल मिस डिमीनर, क्रिमिनल मिस कॉन्डक्ट के तहत। रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी धनखड़ ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी धनखड़ मुझसे माफी मांगती है तो मैं उन्हें माफ करने के बारे में जरूर सोचना चाहूंगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी धनखड़ मुझसे कहती है, शैलेंद्र चोपड़ा, अम्बोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, FIR और बार काउंसिल की शिकायत, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात FIR की तो नहीं हो रही है, तो आप इन दो मुद्दों को क्यों जोड़ रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आप उसके बारे में सोचिए, FIR के बारे में आप बात ना करें मुझसे, और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए FIR को वापस लूं। चलो आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर लूं? तो उसने कहा कि कागज पर ये लिखा है कि मैं शैलेंद्र चोपड़ा आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए FIR को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे, ऐसे कागज पर मैं दस्तखत क्यों करूं? तो उसने बोला, नहीं नहीं, इस पर जो धारा लगी है IT Act 67A, ये बहुत ही संगीन है, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा, देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव जोर नहीं डाल सकते कि मैं FIR को वापस लूं। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहां उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती हूं क्योंकि जब जाती हूं तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके बाद
जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, FIR आपके खिलाफ दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस FIR को वापस लूं? ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज बनना चाहती हूँ। अरे जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूं कि ये जो आप धमकियां देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शैलिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत के वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत के वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई है। मैंने कहा देखिए ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ, क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आप का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ है, अगर आप आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ उसके बारे में सोचिए, आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप विनती, आप माफी मांगिए, आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। चलिए जी, वो दिखा दीजिए जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ इस पुलिस चौकी अंबोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धारा आप देख सकते हैं IPC 300A, IPC 500, IPC 504, IPC 509, IDF 67A, इन तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजिबल हैं, IPC 354A, IPC 509, IDF 67A। चलिए अभी अंदर वो करा दो, यहाँ पर है राखी सावंत का नाम। रुको रुको, इला मतला नीचे देख सकते हैं आप। रुको रुको रुको, मिल गया मिल गया, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब आप ये बताइए, जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राजश्री के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राजश्री के साथ कर रही है। कहती है कि राजश्री का जो वर्क प्लेस है वो असल में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बताइए आप, हाँ क्या संविधान हमें ये हक देता है कि हम किसी के वर्क प्लेस के बारे में इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें?
किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का क्या हमें कोई हक है? किसी महिला को जलील करने का क्या हमें कोई हक है? आए दिन आदिल भाई पर इल्जाम लगा रही है, कभी कहती है किसी ट्रक की वजह से उसका कोई दोस्त मर गया, कभी कहती है कि आदिल खूनी है, उसने किसी को उड़ा दिया ट्रक से, कभी कहती है वो बलात्कारी है, कभी कहती है कि वो मारता है पीटता है, कभी कहती है कि वो चोर है, कभी कहती है कि वो कौन आर्टिस्ट है, लोगों को चुना लगाता है, क्या है ये सब? महिलाएं बाजारों हैं, वेश्या हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कौन सी खेत की मूली हो? कौन हो आप? बाबा राखी सावंत, स्वामी राखी सावंत, कौन हो आप? क्या आपकी असलियत से लोग वाकिफ नहीं है? अरे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी उसके साथ, कोई लड़ाई नहीं थी, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया, उस लड़ाई में ये बीच में आई, उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना इसको। चलिएगा अंदर जाते हैं। किसने? कौन है ये? चलिए आउट ऑफ द फ्लेवर को चलिए। देखिए वो अपराध करती है और फिर हाथ ऊपर करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या उसने मुझे बाजारों नहीं कहा? मीडिया के सामने आकर सीना ठोक कर बोला, सुनो शैलिन चोपड़ा को वेश्या व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ा गया, पता है कहाँ? अलीबाग पुलिस ने पकड़ा, अलीबाग में पकड़ा। क्या हुआ? अंबोली पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अलीबाग पुलिस को संपर्क किया और अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी FIR नहीं है जिसमें शैलिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। क्या है ये? इतना बड़ा झूठ। शर्म करो, संविधान के साथ कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत पब्लिक हो गई है। चलो ये है ये सब फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाए, इसकी सत्यता मैं कह रही हूँ, जिसके पास जो भी सबूत है वो पेश करें और पुलिस जांच पड़ताल करें। और तो सर जी एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आज चार्जशीट के बारे में बात कर रहे हो, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या अरेस्ट हो सकते हैं राखी और उनके द्वारा? चार्जशीट के फाइल होने के बाद मैं जानने आई हूँ कि चार्जशीट फाइल हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कब तक होगी। और मैंने पूछा कि सर रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनके पास तो बेल है नहीं, तो उन्हें अरेस्ट कब किया जाएगा? तो सर ने कहा कि 41A CRPC की नोटिस उन्हें दी गई है, अरेस्ट बहुत जल्द करेंगे और चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल होगी। उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और मुझे आश्वासन दिया
कि मुझे जस्टिस इंसाफ न्याय अवश्य मिलेगी। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंदर जाके आइए। चलिए थैंक यू सरलिंग जी अंदर जाके आइए। चलो आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। चलो थैंक यू मैम। चलो बाय। सैम के पास मेरा फोन है, लेकर अपने पास रखो। हाय हाय किशन हाय किशन जल्दी आ जल्दी आ। चलो इधर आ जाओ इधर देखना कैमरे में देखना इधर इधर देखो बस। अरे धक्का तो दे रहा अरे क्या धक्का दे रहा है यार धक्का है मेरे को भाई धक्का है। चलो हॉट तो मत बोलो हॉट तो हो आप। अच्छा जो लोग देर से आए हैं उनके लिए फटाफट एक क्विक रिकैप ये है एफआईआर की। अरे अभी किसके खिलाफ एफआईआर की कॉपी जो 8 नवंबर 2022 के दिन दर्ज की गई थी यहाँ अम्बोली पुलिस चौकी में राखी सावंत और उनकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट के खिलाफ है धाराएं आईपीसी 354A आईपीसी 500 आईपीसी 504 आईपीसी 509 आईटी एक्ट 67A सबसे संगीन धारा है आईटी एक्ट 67A जिसके तहत 7 साल की सजा हो सकती है। यहाँ पर आप राखी सावंत का शुभ नाम देख सकते हैं। दिखाइए दिखाइए यहाँ पे भी दिखाइए। होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। रुको रुको होल्ड 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 रुको यहाँ पर जल्दी सेंटर रुको ना हाँ यहाँ पे होल्ड कीजिए ना अरे इधर इधर थोड़ा ओके तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ ये पूछने के लिए कि इस एफआईआर के तहत क्या चार्जशीट फाइल हुई या नहीं और अगर नहीं हुई तो कब होगी। मुझे एसआई शिंदे सर ने ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द चार्जशीट फाइल होगी और उन्होंने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट को 41A सीआरपीसी की नोटिस दी गई है जो अरेस्ट करने से पहले दी जाती है। मतलब फाल्गुनी का अरेस्ट हो सकता है। आज की तारीख में फाल्गुनी ब्रह्मभट के पास बेल नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपने मेंशन किया है राखी सावंत को, राखी सावंत को तो आपने माफ कर दिया था उस समय, आप लोग फ्रेंड हो गए थे ना उस समय। मैंने कभी भी जुबानी तौर से या लिखित रूप में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस एफआईआर को वापस लेती हूँ, बिल्कुल नहीं। हालांकि नेल आर्ट स्टूडियो में राजश्री की मौजूदगी में राखी ने एक कागज पर मुझसे जबरन दस्तखत करवाना चाहा, जब मैंने उससे कहा कि मुझे पढ़ लेने दो इस पर क्या लिखा है, उसने बोला कि उस कागज पर ये लिखा है कि मैं शर्लिन चोपड़ा अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लेती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा निर्णय मैं बगैर अपने वकील से सलाह मशवरा लिए नहीं लूंगी। तो तब से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। वो चाहती थी कि इस एफआईआर को मैं वापस लूं। क्यों लूं भाई, जो लड़की आए दिन मीडिया के सामने कहती है कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, पहले वो अपने लिए कुछ कर ले।
हाँ, जो लड़की अपने लिए कुछ नहीं कर सकती वो क्या ही समाज सेवा करेगी। कल 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राखी ने आपको कहा है कि वो मेरी बहन है, काकू को भड़काया जा रहा है क्या? कहना कौन किसकी बहन है भाई? राखी और बहन है मेरी। राखी वो बहन है जो अपनी बहन को बाजारू कहती है, वेश्या कहती है, जो अपनी बहन शर्लिन चोपड़ा के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाती है और कहती है ये तो बस टीजर है, हाँ ये कुछ नहीं है, मेरे पास और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि वही काम वो आदिल के साथ कर रही है, वही काम वो राशि के साथ भी कर रही है। कितना आसान होता है भारत देश में किसी भी महिला को जलील करना, ये हम देख सकते हैं। और मतलब राखी सावंत की जिंदगी से ये देखने को मिलता है हमें आए दिन, जिस महिला के साथ उसकी नहीं बनती है उसको वेश्या या बाजारू का करार देती है, जिस हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से उसकी नहीं बनती है उसको खूनी कहती है, बलात्कारी कहती है, चोर कहती है। क्या है ये? क्या ये जंगल है या समाज है? क्या इस समाज में कानून नहीं है, संविधान नहीं है? अगर राखी सावंत आप ये देख रहे हो तो सुन लो कि आप समाज के कानून के साथ, देश की संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और मुझ पर किसी भी तरह का जोर नहीं डाल सकते कि मैं अपना FIR वापस लूं। चलो, गलत है ये। मैं यहाँ खड़ी हूँ पुलिस चौकी में, अंबोली पुलिस चौकी, और मैं आज राखी सावंत और राखी सावंत के तमाम समर्थकों से ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी महिला या पुरुष की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। सही बात है, तो आप भी नहीं। आप किसी के वर्क प्लेस को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं बोल सकते। सही बात। आप किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।